पिछले अक्टूबर 2013 को फाइलिन की वजह से उड़ीसा का बहुत नुकसान हुआ है। जहां कोस्टल उड़ीसा में हजारों लोग बेघर हो गए, वहां पश्चिमी उड़ीसा में भी इसका असर देखने को मिला है। नुआपड़ा जिला अंतर्गत सियालेटी गांव के किसान इस फाइलिन की वजह से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। अच्छा, ये वर्ष जेन धुका पवन हला फाइलिन हला तुम सुना तुम धान सब कंता हला सब तो धुका कर रहे थे सब लेपी हला गया। हमें तो चास करी छु चास थिन तो पहुनी न बिल्कुल हमार बस्ती सारा संकट आंता है छे। तुम गला वर्ष कितने टन धान बिकी थिलो? गला वर्ष मई 50,000 रो बिकी थिन आ गया। आरी वर्ष 50,000 लोन आइन छे से 25,000 पैमी किनी पाने ओल करी मई तो अंधार हो गेले ना गया। मोर बुद्धि आर निदिस बार न तुमर गांर बाकी लोगर धान बि अंता है छे? सब लोगर अंता है छे ना गया। केन आरई की केन माने आइस्थिले देखबार लागि नी आसबार आ गया। जहाँ कहले भी तो हाँ हाँ बोलू छन आर नी करबार न। अच्छा, ये फाइलिन ही करे वर्षा पवन हला पर तुमर कपा चाष सब केनता है छे? कपा चाष सब आमरी धुका पवन आसी गला रहु इटा धरिला वर्षा 7 दिन इटा धरिला वर्षा के सब कपा सब ढुली ढुला करी इड़े से इड़े सब बर्बाद हो जाए बाबा। आर किसी उपाय नहीं दिस पार मटी तो कुंदली जाए करी सड़ा ही जीवा। इटा आम हो सात परिवार बाबा कुटुंब इतिन कपड़ा लता पिला छुआ मन को पाठ शास्त्र सब पढ़ा जाए बाबा। इति इति पैसा रे पुरखिया पुरखी सब सब देसन बाबा इति करसन चलसन। एबे तो एसु कपा सब बुड़ी गलुन बाबा किछु लाभ नहीं मिले। इस वीडियो देख रहे सभी दर्शकों से मैं ये अपील करता हूँ कि आप नुआपड़ा जिला के जिला कलेक्टर श्रीमान जय कुमार भी जी को उनके ऑफिस के नंबर 0667822546 पर फ़ोन कर दबाव डालें ताकि सियालेटी गांव के किसानों के समेत नुआपड़ा जिला के सभी किसानों को मुआवजा मिल सके। मैं अभिषेक कुमार दास, गांव सियालटी, जिला नुआपड़ा, उड़ीसा से इंडिया अनहड़ के लिए।